नमस्कार, वेलकम बैक टू संगीता स्पेशल। आज मुझे आपण मानक कम तेल मसलार किपर घर बंधाकोबी तरकारी बनि तार रेसीपी नहीं की आसी खावा जीक टेस्टी से हेल्दी तेज चलां स्टार्ट करवामर रेसीपी फोन करके आम कड़े बसई ने कड़े आम गरम होगा से गोटे चमच रू दे चमच तेल आड करने तेल आम भल भाव गरम होगा से जीरा आड करदे जीरा फुटिगला से छोट छोट पतला पतला करके लंबा करके काटिक रखी पिज को आड करदे भल भाव भाजी ने पिज को आम कलर चेंज हो पर्यटन भाजवा जपर्यंत ब्राउन कलर न हो पिज आम से पर्यटन आपको भल भाव भाजी ने देखो पिज एसला एबि आम आड करदे टमाटो गोटे काटिक रखी मीडियम सैज्र टमाटो 1/4 टीस्पून लुण एवं एवं आपको भल भाव मिक्स कर एवं ये 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर आड करदे पुणी थे भल भाव भाजी ने गोटे चमच धनिया पाउडर हाफ चमच सब्जी मसाला ये सब को मिक्स कर भल भाव एवं मसला मोर तलू न लग जाठ आड करदे 4-5 चमच पा पा को आड करके भल भाव मिक्स कर मसला को भल भाव कषि ने एवं घोड़े की 3-4 मिनिट पर्यंत छाड़ीदे जपर्यंत आमर देखो ये आम मसलू तेल पूरा अलग हो मसला एवं आम भल भाव कषिगला एड करदे छोट छोट काटिक रखी गोटे आलु कि छड़े कि रखी ग्रीन मटर एवं यह सब कुछ भल भाव मिक्स कर एबे एठी आड कर देवा काटिक रखी बंधाकोबी या भल भाव मुझे काटिक धोक रखी नहीं सब को आड करके भल भाव मिक्स कर मिक्स कर सारे ये स्वाद अनुसार लुण आड करवा कारण ऑलरेडी आम मसला कसवा समय लुण आड कर एठी ग्रेट करके रखी दुईटी मीडियम साइज रो गाजर को आड करदे आम एवं भल भाव मिक्स कर सब को मिक्स करके गोटे जगह एमती एकाठी करने घोड़े की छाड़दे कि समय पर्यंत आम ये टोटाल पा बिलकुल भी आड करवानी कारण एमती भी लुण पकड़ पर बंधाकोबी पा बाहर आम से ही पानी रही सीझे करके भाजवा एवं आम 3-4 मिनिट तो अलरेडी होगा कवर काढ़ आपको देखा देखते सैड्रे आपड़ी जना पड़ लुण पकवा पर ही बंधाकोबी सब एम पा बाहर आम सेम प्रोसेस आउ थे एपट सेपट कर मिक्स करदे पुणी गोटे जगह को एकाठी कर भल भाव घोड़े ना 3-4 मिनट से सेम प्रोसेस आम जापर्यंत भल भाव बंधाकोबी आलु मटर से सब नसीजी से पर्यंत आम आपको यही प्रोसेस भाजवा एवं आपको कवर करके 4-5 मिनट पर्यंत पुणी छाड़ ना बंधाकोबी तरकारी तो देखा आखि को बहुत सुंदर लगुच कारण ये कलरफुल पर जीत पड़ी यह देहपाई बहुत हेल्दी एवं शीत दिन में आमको तो सब प्रकार पर मिल जाए बजार में पुणी आपको घोड़े की सेम प्रोसेस 4-5 मिनट छाड़ीदे पुणी थे भाजी ने देखु ये आपण मैं देखा आम बंधाकोबी सीझिला ना ना भल भाव प्राय 70% ये कुक हो गला आउ 7-8 मिनिट समय लगे आमको आपको भल भाव कुक करने तेज चलत पुणी आपको भल भाव मिक्स करने एकाठी करके घोड़े दबा गोटे जगह
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ବି ପାଣି ଆସୁନି। ଆମର ବନ୍ଧାକୋବିର ତରକାରୀ ତ ଏବେ ପୁରାପୁରି ବନିକି ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏସବୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବନିକି ରେଡି ହୋଇଗଲା ବନ୍ଧାକୋବିର ତରକାରୀ। ଏକ ଆପଣମାନେ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ କିମ୍ବା ପରଟା ସହିତ ଖାରାଇ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ।